डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इस वक्त मैं मौजूद हूं असरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आपको आज हम यहां की हकीकत दिखाते हैं कि यहां के बिल्डिंगों की क्या जो है स्थिति है और यहां पे लोग कैसे इलाज करते हैं या कैसे रोगी जो है यहां अंदर आते हैं। आप देखिए, ये जो ये बिल्डिंग जो है ये कार्यालय है, लेकिन इस कार्यालय के अंदर आपको दिखेगा जो दवाई वगैरह रखी गई है, लाइट भी नहीं है, बिल्डिंग की छतें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। और आप इस तरफ सामने में देखेंगे कि वो जो है बिरनी जो होती है वो अपना घर बनाया हुआ है, और हालांकि इसके अंदर कोई भी स्टाफ तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये कितना ख़तरनाक है आप देख तस्वीरों से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए पूरी बिल्डिंग जो है ये पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि 10 साल पहले भी इस बात की सूचना जो है स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी, लेकिन बिल्डिंग के लिए अब तक क्या कुछ किया गया है इस बात की जानकारी हम जरूर यहां के प्रभारी से लेना चाहेंगे। इन आप तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से जो है यहां पे दवाइयां हो या जो भी मेडिकल किट हैं वो सारे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। आप देखिए कि जो कोरोना टेस्टिंग चल रहा है वो एक पेड़ के नीचे चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस अस्पताल में बिल्डिंग की क्या स्थिति है, जो कि यहाँ के स्टाफ को एक पेड़ के नीचे कोविड टेस्ट करना पड़ रहा है। हम इनसे जरूर जाने के, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। क्या करते हैं राहुल जी आप? कोरोना का टेस्ट करते हैं। तो ये पेड़ के नीचे क्यों? हम लोग को व्यवस्था यहीं पर दिया गया है कोरोना जाँच के लिए। क्या कोई कमरा वगैरह नहीं है हॉस्पिटल में जो कि आप लोग को पेड़ के नीचे दे दिया गया है? तो स्वास्थ्य प्रबंधक और प्रभारी का जिम्मेवारी है कहाँ करवाना है, जहाँ हमको दिया गया है वहाँ हम कर रहे हैं। क्या दिक्कतें भी होती है यहाँ पे? परेशानी काफ़ी होता है, गर्मी परेशानी होता है और कुछ व्यवस्था नहीं मिलता है, ना पानी का ना कुछ नाश्ता का। हम लोग कभी 6 बजे कभी 7 बजे जाते हैं, उसके बाद भी हम लोग को प्रॉब्लम काफ़ी होता है। कितने दिनों से आप यहाँ पे जो है कोरोना टेस्ट कर रहे हैं? कोरोना हम सर 2020 अप्रैल से कर रहे हैं जाँच सर, 2020 अप्रैल से। इसी पेड़ के नीचे? जी सर। आप लोगों ने अपने सीनियर को नहीं बोला कि इस पेड़ के नीचे कैसे क्या करें? तो हम बोले कि सर हम लोग को व्यवस्था दीजिए, कुछ पंखाओं का व्यवस्था कीजिए, ताकि पीपी किट पहनने के बाद काफ़ी परेशानी होता है हमको और सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होता है। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी परेशानी है, फिर भी दबाव रहता है, हम लोग करना पड़ता है। कितने लोग आप लोग रहते हैं, रोज़ कितनी टेस्टिंग हो रही है अभी यहाँ पर? जो वैक्सीनेशन के लिए जो भी आते हैं या और OPD में जो भी पेशेंट आते हैं उनका टेस्ट किया जाता है। आज कितने टेस्ट किए आपने? आज 43 अभी कर चुके हैं। देखा आपने, ये जो कोरोना टेस्टिंग के लिए लगे हुए हैं इनका भी कहना है कि हमने अपने जो है सीनियर को बोला भी कि हम लोगों को कोई समुचित व्यवस्था दे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन भी आखिर क्या करे जब इस अस्पताल की एक भी कमरे जो हैं वो सुचारू रूप से ठीक से नहीं है, जिसमें कि इन लोगों को व्यवस्थित किया जाए। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? कुमारी रेखा रानी। ये बिल्डिंग की क्या स्थिति है आप जहाँ बैठती हैं? बहुत जर्जर है। कैसे काम कैसे करती हैं आप? डर से काम तो करना है। अच्छा ये बताइए, बारिश जब होती है तो क्या पानी गिरता है? जी जी, पानी चूता है। आज बारिश हुआ तो 3 दिन तक पानी चूएगा, ऊपर जम जाता है। जी जी। आप लोग बोलते नहीं हैं अपने सीनियर को? सबको पता है, DM तक को पता है, लेकिन नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है। क्या वजह, क्या कुछ पता चल पा? इसका वजह हम लोग कैसे बताएंगे, पदाधिकारी न बताएंगे, हम इसमें क्या बता सकते हैं? हम लोग तो बहुत छोटा कर्मचारी है, काम करना पड़ता है। कितने स्टाफ इसके अंदर रहते हैं आप लोग? दो स्टाफ रहते हैं, एक 2 बजे तक
फिर 2 बजे से 5 बजे तक। तो देखा आपने कि जो भी यहाँ स्टाफ हैं, आप जिनसे भी बात करें, उनका सीधा कहना है कि बारिश अगर एक दिन होती है तो 3 दिनों तक जो है पानी टपकते रहता है, ऐसे में कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। खासकर इस जो कोविड काल चल रहा है, इसमें जो है मेडिकल स्टाफों को जो है लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही है, इसके बावजूद जो है इस तरह के व्यवस्था में ड्यूटी ये लोग कैसे करते हैं, ये यही लोग बता सकते हैं। इस बारे में हम जरूर यहाँ के प्रभारी जो हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या वजह है जो कि अस्पताल की ऐसी स्थिति है और बिल्डिंग नहीं बन पा रहा है। असरगंज अस्पताल की स्थिति के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के प्रभारी ललन कुमार जी हैं। सर, ये बताइए क्या स्थिति है आपके अस्पताल की? अस्पताल में थोड़ा जगह की कमी है, पुराना भवन है जो कि मरम्मत करके किसी तरह का चल रहा है यहाँ, और नया बिल्डिंग बनने के लिए भी फंड आया हुआ है सरकार की तरफ से, वो अब देखिए कब बन जाता है ना, वो बन जाएगा तो फिर ठीक हो गया, स्पेस की तो आवश्यकता है ही। अभी जो स्थिति है सर यहाँ के पूरे बिल्डिंग पूरे हॉस्पिटल की बात करें तो सभी जर्जर अवस्था में है, इसमें कार्य करना कितना चुनौतीपूर्ण है? वो तो जब स्थिति भवन की अच्छी नहीं है तो चुनौतीपूर्ण है ही, काहे कि सबको बैठने का जगह, सबको काम करने का जगह की कमी है। ऐसे में जो स्थिति है अभी सर, किस प्रकार से आप लोग काम करते हैं, पेशेंटों को कहाँ रखते हैं? पेशेंट रखने के लिए जो भी जगह है उसके लिए 6 बेड का हमारा अस्पताल है, उसमें पेशेंट रहते हैं और इलाज हो रहा है जहाँ तक संभव है। ये सर मजबूरी है या क्या है जो कि कोविड का जो जांच चल रहा है वहाँ पे, अभी हम जब आए तो देखे अभी भी चल ही रहा है वो पेड़ के नीचे, क्या ये भवनों की कमी के कारण ऐसा हो रहा है? हाँ, भवनों की कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है। अब वो खुला जगह में होना है ना, तो उस तरह का बहुत बड़ा हॉल या इस तरह का कोई चीज़ नहीं है कि जहाँ हम उसको कर पाएँ, तो खुले जगह में ही हम जाँच करा रहे हैं। कब तक भवन बनने की उम्मीद है या आप लोग प्रक्रिया में हैं? ये हम नहीं कह सकते है ना, ये मेरे द्वारा नहीं होगा, ये एजेंसी सरकार के और किसके द्वारा होगा, वो कंस्ट्रक्शन नहीं, नहीं तो आप लोगों ने लिख के दिया होगा ना अस्पताल के बारे में कि ऐसी स्थिति है। ऊपर अस्पताल की स्थिति ये बहुत पहले ही दिया जा चुका है, 5 साल 10 साल पहले फंड भी हो गया है ना, 5 करोड़ का जैसा हमको मालूम हुआ है, और वो देखिए कब निर्माण होता है, कोविड के कारण लगता है डिले हो रहा है, नहीं तो निर्माण कार्य शुरू हो रहा था। ये थे असरगंज के चिकित्सा प्रभारी ललन कुमार जी, इन्होंने कहा कि ये आज से नहीं 5 से 10 वर्ष पूर्व से जो है जर्जर अवस्था में है, विभाग को लिखा गया है, इसके लिए जो है फंड भी आ चुका है, लेकिन कब ये अस्पताल बनकर तैयार होगा ये कहना मुश्किल है। गोविंद कुमार, मुंगेर, आज तक। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें, इन गरीब परिवारों का सहारा बनें।